दोस्तों आपको तो बताया कि Realme और Redmi के जो फोन्स होते हैं इनका कंपैरिजन करने में कितना मजा आता है। जी हाँ, स्पाइसी कंपैरिजन होते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं Redmi के Note सीरीज की और Realme के नंबर सीरीज की, ये दोनों भी जो फोन्स हैं ये भिड़ते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और हमेशा ऐसे होता है कि जब वेरी नियर, प्राइसिंग भी बहुत सिमिलर होती है और स्पेसिफिकेशन भी बहुत सिमिलर होते हैं, और इसीलिए ऐसे कंपेरिजन हम लाते हैं। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं कि नोट सीरीज में पहली बार एक 5G फोन आ गया, एंड Realme के नंबर सीरीज में भी पहली बार 5G फोन आ गया है। आज करने वाले हैं कंप्लीट कंपैरिजन इन दोनों का, और इस कंपैरिजन के एंड में बताएंगे कौन है अच्छा और कौन है नहीं इतना अच्छा। क्विकली दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द लुक्स। ये देखिए, ये थोड़ा शाइनी है एंड ये मैट है। अगर मैं लुक्स के बारे में बताऊं तो Realme 8s मुझे ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली हमारे पास दोनों भी ब्लू कलर है। दिस लुक्स स्लाइटली ऑन द प्रीमियम साइड Realme 8s। वैसे दोनों बहुत सिमिलर दिखते हैं, दूर से आप देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। सिर्फ दोस्तों लुक्स में ही नहीं, अगर वेट आप हाथ में लोगे तो भी, अगर मैंने आँख बंद किया और दोनों भी फोन्स लिए, आई विल नॉट बी एबल टू टेल देम अपार्ट। क्यों? दोनों का वेट भी बहुत सिमिलर है, 190-192 ग्राम्स ऐसे ही दोनों का भी वेट है, तो बहुत सिमिलर है फ्रॉम आउटसाइड। और अगर अंदर के बारे में बात करूं, पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, इधर बड़ा डिफरेंस आता है। बट वेट, बिफोर वी गो टू स्पेसिफिकेशंस, लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। Realme 8s इज 17999 6GB 128GB वर्जन के लिए, और इसका जो 6GB 128GB वर्जन है वो 1000 से कम है, इट इज 16999, मतलब 17000-18000। अब ये 1000 जो एक्स्ट्रा लेता है Realme, इज इट वर्थ इट? चलिए अब देखते हैं स्पेसिफिकेशंस के पास। सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों, जो Realme 8s है वो आता है Dimensity 810 इस प्रोसेसर के ऊपर, जो 6nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये आता है Dimensity 700 के ऊपर, जो 7nm पे। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, डेफिनेटली देर इज अ ह्यूज डिफरेंस दोनों में ही, पेपर पे भी एंड एक्चुअल यूसेज में भी। नोट 10 5G का जो स्कोर है वो अराउंड 290-295 लाख आता है, वेर इज दिस वन 375 लाख। जी हाँ, 3,75,000 and 2,93,000। तो परफॉर्मेंस में डेफिनेटली Realme 8s beats hands down। लेकिन दोस्तों जब आप गेमिंग कर रहे हो, दोनों भी आराम से आप HD high settings पे खेल पाओगे। जी हाँ, इसमें कम स्कोर आता है फिर भी HD high पे आप खेल सकते हो। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्युटली सिमिलर डिस्प्ले, 6.59 इंच FHD+ 90Hz, और दोनों के ही पैनल मैंने टेस्ट किया दोस्तों, बोथ आर वेरी सिमिलर, आई कैनॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो मैं कहूंगा इक्वल हियर। ऑलराइट, बैटरी के बारे में बात करते हैं, बैटरी में बड़ा डिफरेंस है, नहीं mAh कैपेसिटी में सेम है दोनों, 5000 mAh की बैटरी दोनों में ही आती है। लेकिन ये 18W जो Redmi Note 10 5G है दोस्तों, ये आपको 18W की चार्जिंग देता है, ये जो है 33W की चार्जिंग मिलती है आपको, सो नियरली डबल फास्ट चार्जिंग मिलता है। और प्रोसेसर 6nm होने की वजह से दोस्तों, इट इज मोर पावर एफिशिएंट एज वेल, मतलब वो 5000 mAh की बैटरी थोड़ी ज्यादा चलेगी Realme 8s के ऊपर। दोस्तों दोनों में ही LPDDR4X RAM आती है, लेकिन स्टोरेज टाइप स्लाइटली डिफरेंट है। Realme 8s में UFS 2.1 है, इसमें UFS 2.2 आता है, जहां पे राइट स्पीड जो है ज्यादा होता है। रीड स्पीड मैं कहूंगा दोनों का बहुत सिमिलर है, बट राइट स्पीड बेटर ऑन Note 10 5G। पोर्ट्स एंड बटन्स दोनों के ही अगेन वेरी सिमिलर, सिर्फ इतना ही है, 3.5mm जैक नीचे की तरफ आता है Realme 8s में, इसमें आपको ऊपर की तरफ आता है। लेकिन ऊपर की तरफ बात कर रहा हूं तो बता दूं दोस्तों, इसमें IR ब्लास्टर आता है Redmi Note 10T में, इसमें आपको नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस है दोस्तों, सिम कार्ड ट्रे में आपको Note 10T में हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है Realme 8s में। सेंसर्स दोनों में ही सेम आते हैं, अगेन जैसे मैंने कहा IR ब्लास्टर ज़्यादा है इसके अंदर, बट बाकी सब सेंसर्स जो है सेम है, एंड दोनों में ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब दोस्तों UI के बारे में बात करते हैं, Redmi Note 10T 5G में आपको MIUI 12.0.5 मिलता है, 12.5 नहीं तो अपडेट होगा ये शायद, बट अभी 12 ही है। और इसमें आपको Realme UI 2.0 मिलता है, विच इज बेस्ड, बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन Android 11। अगर मैं विनर के बारे में बात करूं, मैं कहूंगा जो Redmi Note 10T 5G है दोस्तों, नेटिव एप्स दोनों में ही आपको नोटिफिकेशंस भेजते हैं। जी हाँ, जो नेटिव एप्स के नोटिफिकेशंस होते हैं, लेकिन स्लाइटली ज्यादा एड्स मुझे Redmi Note 10T 5G में लगे, सो एड्स थोड़े ज्यादा हैं, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड वैसे MIUI 12 इनफेमस, थोड़े बग्स बिग्स भी जरूर हैं इसके अंदर, तो मैं कहूंगा स्लाइट एज फॉर Realme 8s। लेकिन एक बड़ा OS का डिफरेंस है दोस्तों, DRE मतलब वर्चुअल रैम आप एक्सपेंड कर पाओगे Realme 8s में 5GB से। जी हाँ, इवन इन 6GB एंड 8GB वेरिएंट दोनों में ही आप
5 GB से रैम एक्सपेंड कर पाओगे, वर्चुअल रैम है, रियल रैम नहीं है, बट हाँ कर पाओगे। इसमें Redmi Note 10T में आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, इसमें बेस वेरियंट आता है 4GB 64GB का, जो इसमें नहीं मिलता है। इसमें बेस वेरियंट 6128 का है, इसमें 4GB 64GB का है, जो आपको 14999 में मिलता है। इसका मतलब 15,000 का अगर आपका बजट होगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर Realme 8S, यू ओनली विल हैव टू लुक एट Redmi Note 10T 5G। वैसे कनेक्टिविटी के मामले में सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन है, और जैसे मैंने बताया 5G है। अगर बैंड्स आप पूछोगे दोस्तों, इसमें 7 बैंड आते हैं, स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन, इसमें टोटल 6 बैंड आते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। आई नो आप लोग सभी उसके लिए रुके हुए हो, 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रियलमी 8S में आगे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, जी हाँ दोनों में ही अल्ट्रा वाइड नहीं है। इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड दोनों में ही होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। और आगे इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है नोट 10T में। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स कैसे हैं दोस्तों, आई टेल यू व्हाट, जब मैं ये देख रहा था, लिटरली हमने 50-60 फोटोज निकाले, एंड जब मैं देख रहा था आई वाज एक्चुअली सरप्राइज। डेफिनेटली जो 64 मेगापिक्सल रियलमी 8S का जो प्राइमरी सेंसर है, वो इट इज मच बेटर देन 48 मेगापिक्सल ऑन Redmi Note 10T 5G। कलर जो है वो पंचियर आते हैं। बहुत बार दोस्तों Redmi Note 10T के जो फोटोज है मुझे थोड़े हेजी लगे, थोड़े ग्रेइश लगे, थोड़े एनर्जी कम थी उनमें, ऐसे लगा था बहुत ही डल लग रहे थे। आई एम नॉट श्योर वाई। इवन शार्पनेस और डायनामिक रेंज के बारे में भी बात करूं तो मैं कहूंगा रियलमी 8S का जो प्राइमरी सेंसर है वो अच्छा काम करता है। इनफैक्ट स्क्रीन पे आप फोटोज देख रहे हो, लुक एट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इवन स्किन टोन्स के बारे में बात करूं रेयर कैमरा के, तो अगेन डिटेल्स के मामले में, स्किन टोन्स के मामले में मैं कहूंगा अगेन रियलमी 8S का जो 64 मेगापिक्सल है वो बेटर परफॉर्म करता है। एंड सेम गोज फॉर फ्रंट सेल्फी सेंसर एज वेल। अगेन इधर भी जो मैंने सेल्फी के खुद के फोटोज भी निकाले हुए हैं, बहुत ही ऐसे लग रहा था कि सब कुछ स्मूदन आउट कर दिया है, मेरा जो स्किन है वो पूरा स्मूथ हो गया है। आगे के जो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है ऑन Redmi Note 10T, जो 16 मेगापिक्सल का Realme 8S के ऊपर है, उधर मुझे प्रॉपर डिटेल्स दिखे एंड इवन कलर टोन्स वर क्वाइट गुड। ओवरऑल दोस्तों मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो कैमरा है उसमें Realme 8S परफॉर्म्ड मच बेटर। अगर वीडियो के मामले में बात करूं, हाँ ऑन पेपर Realme 8S में EIS आता है, लेकिन जो फुटेज हमें मिला अच्छा मिला, कलर्स वगैरह अच्छे थे, डायनामिक रेंज अच्छी थी वीडियो की, बट थोड़ा चॉपी फुटेज लगा मुझे। आई एम नॉट श्योर, मतलब EIS के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो स्मूथ होगा, लेकिन उतना नहीं था। बट ओवरऑल अगर कैमरा के बारे में बात करूं, आई विल से Realme 8S परफॉर्म्स बेटर देन Redmi Note 10T 5G। सो फाइनली What is मेरा जो verdict है वो क्या है दोस्तों, एक तो मैं कह दूं, अगर 15,000 आपका बजट है, प्राइजिंग जो है Redmi Note 10T की वो अच्छी है। 4GB 64GB वेरियंट इसमें आता ही नहीं है, इसमें जो आता है वो 15,000 से चालू होता है। जो 6128 है वो भी 1,000 रुपये से Realme 8S से कम है, सो प्राइजिंग इज अ बिग फैक्टर। IR ब्लास्टर आता है जो Realme के फोन्स में नहीं आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूंगा अगर परफॉर्मेंस के मामले में बात करूं, अगर कैमरा के बारे में बात करूं, अगर फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करूं, इवन OS के बारे में बात करूं, देन Realme 8S मेरे हिसाब से इट विंस देयर। एंड आप अगर पूछोगे मुझसे कि भाई 1,000 रुपये उसके लिए देने चाहिए, आई थिंक सो यू शुड। बट दोनों ही फोन में एक बहुत बड़ी खराबी है दोस्तों, और वो है अल्ट्रा वाइड। इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड दोनों में ही होने चाहिए थी, इंक्लूडिंग Realme 8S एंड Redmi Note 10T 5G। और हाँ DRE का आपको फीचर मिलता है, 5G एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम, सो या दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर Realme 8S। वैसे दोस्तों अगर इस कंपैरिजन के बारे में कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इफ एनीथिंग एल्स इज देयर, डू टेल अस, डू लेट अस नो। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।